गोसाई गांव का ग्रामीण हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ और हर साल अपने गांव छठ मनाने के लिए आता हूँ। आज से नहीं, विगत 5 वर्षों से मैं लगातार अपने गांव छठ दिवाली में आता हूँ और धूमधाम से दिवाली छठ मना के फिर वापस जाता हूँ। गंगा में छठ मनाने का कैसा आनंद है? गंगा में छठ मनाने का एक सुखद ही आनंद है, बिल्कुल अलग सा। जो अपनी गांव की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन्हें ही पता हो सकता है कि ग्रामीण व्यक्ति किस तरह से छठ को एक निष्ठापूर्वक मनाते हैं और एक श्रद्धा पूर्ण से सूर्य देवता को अर्घ देके एक पूजा को महापर्व जो हमारा बिहार का महापर्व है उसको संपन्न करते हैं हम लोग। कितने दिन से आप घाट पर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है कोरोना के बीच में इस बार? 21 साल से हम गोसाई गांव के घाट पे जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सूना सूना लग रहा है। कोरोना काल में जो है छठ पूजा को? यस, मैं संजीव आनंद बिपलू और मैं बड़ौदा रहता हूँ और इस बार ईश्वर की कृपा से मौका मिला छठ पूजा अटेंड करने का। कोरोना काल में लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जाए, उसके बावजूद भी लोगों की आस्था और भीड़ पे कोई प्रभाव नहीं, तो सभी को मेरी तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका गंगा किनारे गांव है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये हमारे गांव के लिए एक सौभाग्य है कि हमारा गांव गंगा किनारे बसा हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र की उर्वरा शक्ति भी अच्छी रहती है और साथ ही साथ जो आस्था का महापर्व है छठ पूजा, उसमें सभी को ये अवसर मिलता है कि गंगा जी के घाट पे जाके अर्घ डालें, पूजा अर्चना करें। पूरे गांव में एक भी जगह कृत्रिम घाट नहीं बनता है, सब गंगा घाट ही जाते हैं, इसके बारे में? यस, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से ऐसी जगह है अपने यहाँ जहाँ पे लोग कृत्रिम घाट बना करके या अपने घर में कुछ व्यवस्था करके छठ पूजा करते हैं, बट हमारे गाँव का ये सौभाग्य है कि गाँव के बगल से गंगा जी की धार जाती है जहाँ पे सभी लोग पहुँच के छठ महापर्व को मनाते हैं पूरी आस्था और उमंग के साथ। मैं करीब 20 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ और मुझे यहाँ का छठ पर्व बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कहीं भी रहूँ लेकिन छठ पर्व में पहुँच जरूर रहा हूँ। गंगा घाट पर छठ पूजा इस बार कोरोना काल में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, हम लोगों को ये फील नहीं हुआ कि कोई कोरोना यहाँ पर है। जैसे हर साल मनाते थे वैसे ही इस साल भी मना रहे हैं छठ पूजा। आपका परिचय? मेरा नाम आलोक कुमार पाठक, घर गोसाई गांव। कैसा लग रहा है कोरोना काल के बीच में छठ पूजा गंगा घाट पर? बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग जैसा कि हर साल से, हम याद नहीं कब से करते जा रहे हैं और ये बेहतरीन पर्व है, सब लोग साथ में, यूनिटी का प्रतीक है ये। और हमारे जो कोरोना काल के बीच में छठ पूजा गंगा घाट पर हो रहा है, क्या लग रहा है? कैसे बिल्कुल सब लोग अपने कर रहे हैं, थोड़ी डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो रही है हर जगह से और सब लोग एक ग्रुप में कर रहे हैं, हर जगह अपना अपना ग्रुप है, तो इसमें कोई हमको नहीं लग रहा है। आपका परिचय? अभिषेक झा। मैं नीतीश कुमार झा, गोसाई गांव का निवासी। यहाँ की मुख्य विशेषता है कि यहाँ के लगभग सभी लोग गंगा घाट पर ही छठ पर्व मनाते हैं। सभी लोग धूमधाम से छठ की इस पावन मेला को सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ की खास और विशेषता है कि अन्य जगहों की तरह यहाँ पर कोई घर में या किसी घर पर ही पोखर बना करके यह नहीं कही जाती है, गंगा घाट पर ही सबों को अर्घ दिया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि सभी ग्रामवासी एक जगह होकर के यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मैं गोसाई गांव निवासी सुरेंद्र झा बोल रहा हूँ और यहाँ तो कोरोना का कोई खास प्रभाव है नहीं, है ही नहीं, कोरोना मुक्त है, कोरोना मुक्त इलाका है। फिर भी हम सभी तो तैयार हैं लड़ने के लिए, डिस्टेंसिंग रखते हैं और मास्क लगाते हैं और सब कुछ में तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।